पूर्णिया के मेडिकल कॉलेज अस्पताल में एक 14 वर्षीय बच्चे को गोली लगने के बाद भर्ती कराया गया है। घटना के बाबत बताया जा रहा है कि पीड़ित अमित कुमार झा फारबिसगंज अंतर्गत रमई गांव के वार्ड नंबर 5 के निवासी हैं, जो अपने मैदान में क्रिकेट मैच खेल रहा था। इतने में धीरज कुमार झा ने अमित कुमार को गोली मार दिया, जिसे आनन फानन में फारबिसगंज अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया, लेकिन डॉक्टरों ने वहां से घायल अमित कुमार को बेहतर इलाज के लिए पूर्णिया मेडिकल कॉलेज अस्पताल रेफर कर दिया। पूर्णिया मेडिकल अस्पताल में घायल के चाचा अरुण कुमार झा ने बताया कि मेरा भतीजा क्रिकेट मैच खेलता था, इतने में गांव के धीरज कुमार के द्वारा गोली मारकर घायल कर दिया गया। आगे घायल के चाचा ने बताया कि धीरज एक आपराधिक छवि का लड़का है, जो पिछले 1.5 महीना पहले जेल से छूटकर आया है और बराबर हथियार लेकर इस तरह की घटनाओं को करता है। मेरा भतीजा ने बताया कि आरोपी धीरज चेक कर रहा था कि गोली लगने के बाद आदमी मरता है या नहीं। स्वर्ण रानी के साथ पूर्णिया से धर्मेंद्र कुमार की रिपोर्ट। 24 घंटा नशा में रहता है, पहले भी जेल से छूट के आया है 1.5 महीना पहले खासी चोरी के आरोप में, और वो आया नशा पी के, कहता है आज निशाना लगा के मारते हैं, देखते हैं मरता है कि नहीं मरता है, यही बोला है भतीजा हमको कहा। अभी होश में है, इससे भी पूछ सकते हैं आप लोग। क्या नाम है जो मारा है? धीरज कुमार झा। करता क्या है, 1.5 महीना पहले जेल से छूट के आया, नशा करता है, आर्स लेके घूमते रहता है, छोटा मोटा बात पे जो है किसी को हथियार दिखा देना, डरा देना, गार्जियन का सपोर्ट है उसको, घूमता है तो पुलिस वगैरह पकड़ती नहीं है? पकड़ के तो ले गया था, 1.5 महीना पहले जेल से छूट के आया है, नहीं सुधर रहा है, नहीं सुधर रहा है। बच्चा से क्या उसको भी हो गया? कोई नहीं, चेक कर रहा था बंदूक, वो अपना चेक कर रहा था कि आदमी मरता है कि इससे नहीं मरता है। ये कब की घटना है? आज 9:30-10 बजे के बीच की घटना है। क्या नाम है? मेरा नाम अरुण कुमार झा है, हम इसका जो है चाचा है। बच्चा क्या नाम है? बच्चा का नाम अमित कुमार झा है। घर का है? घर रमई फारबिसगंज।